Hey, what's up guys? Welcome to my channel and welcome to a new vlog here in Goa. So, आज था ट्यूजडे और बहुत सोया मैं, अभी भी स्लीपी स्लीपी लग रहा हूँ और बहुत इन्जॉय किया, मतलब नींद में बहुत सारे सपने भी देखे. सो अभी उठने को करीबन एक डेढ़ घंटा हो गया है और ऑफ है आज. चल के आज रूही का कॉल आया अभी. सो रूही इज़ माई फ्रेंड, यू हैव गाइज सीन हर इन लॉट ऑफ माई वीडियोज़. So I'm going to pick her up and then she is having some kind of voucher for Decathlon. So we are going there and she is going to buy some stuff for her. So थोड़ा सा आपको Decathlon भी दिखाऊंगा, थोड़ा सा आसपास का एरिया भी दिखाऊंगा. तो अभी चल रहा हूँ उसको पिकअप करने के लिए. अभी सिचुएशन गाइज यहाँ पे नॉर्मल है एकदम, एक मतलब ऐसा कुछ मच नहीं है. क्राउड भी लगभग ओके ही है, जैसा कि मैंने पिछले वीडियोस में आपको बताया. बागा, कालंगूट, कैंदलिम, ये जो प्लेसेस हैं ऑलवेज बिजी रहते हैं. सो क्राउड लगभग ओके है, गाइडलाइंस भी लगभग सेम ही है. चुनाव आयोग की तरफ से यानी इलेक्शन कमीशन की तरफ से डेट जो है डिसाइड हो गई है, 14th of February इलेक्शन की है यहाँ पे. बट अभी कोई वर्डिक्ट नहीं आया है कि बार्स वगैरह 10 बजे के बाद बंद हो जाएंगे. कोई ब्रिटेन में कुछ लिख के आया नहीं उनकी तरफ से, गवर्नमेंट की तरफ से या इलेक्शन कमीशन की तरफ से. तो अभी उसके लिए कोई अपडेट है नहीं. अगर होती है तो आप लोगों को दे दूंगा. अगर कुछ अपडेट आता है कि 10 बजे के बाद बार बंद हो जाएंगे या म्यूजिक नहीं चलेगा, ऐसा कुछ होता है, सो आई विल डेफिनेटली अपडेट यू गाइस. ऑलराइट, सो लेट्स गो एट एंड चेक आउट Decathlon टुडे. सो मैं पहुंच गया हूँ Decathlon फाइनली और रूही का कॉल आया, उसकी फ्रेंड ने उसको ड्रॉप कर दिया Decathlon में. सो अभी वो मेरा स्टार्टिंग में वेट कर रही है, तो जाके उससे मिलता हूँ और आप लोगों को भी दिखाता हूँ कहाँ पे ये एग्जैक्टली Decathlon है. अगर आप कालंगूट आते हैं, इफ़ यू बाय समथिंग लाइक स्पोर्ट्स से रिलेटेड या कुछ भी, सो आप यहाँ आ सकते हैं. सो दिस इज़ द प्लेस हियर गाइज. सामने वो जो यहाँ से गाड़ियाँ निकल रही हैं वो है हॉलीडे स्ट्रीट के लिए रास्ता कालंगूट में ही, और ऐसा कुछ एरिया है Decathlon. उसके बाजू में ये वाइन शॉप है, यहाँ पे काजू शॉप है, और ये सामने है Decathlon एंड रूही इज़ वेटिंग ओवर देयर. सो अभी हम चलेंगे अंदर. हेलो जी मैडम, कम. सो देखिए अभी हम अंदर एंट्री करेंगे. हाँ, कितने रुपए का वाउचर है आपके पास? 2-3 हज़ार का. थोड़ा मैं भी परचेस कर लूँ. 500 का ही है. अपना ओके, बाकी का अपना अपना. आई थॉट यू आर गोइंग टू पे फॉर मी. सो गाइज Decathlon एक ऐसा प्लेस होता है जहाँ पे आपको स्पोर्ट्स से रिलेटेड सारी चीज़ें मिल जाती हैं, योगा, स्पोर्ट्स एंड जिम वगैरह के कपड़े, मतलब सारी चीज़ें यहाँ पे अवेलेबल होती हैं. शूज़, स्लीपर्स एंड एवरीथिंग यू विल गेट टू सी ओवर हियर. एंड इट्स अ वेरी बिग आउटलेट ओवर हियर. मैं केरला में था, केरला में भी एक बहुत बड़ा आउटलेट था गाइज, वहाँ पे तो इससे भी बड़ा था. लेकिन ये कालंगूट में जो है यहाँ पे भी, ये भी बहुत बड़ा आउटलेट है यहाँ पे. तो देखिए बहुत सारी चीज़ें अवेलेबल होती हैं, योगा मैट्स, कैंपिंग से रिलेटेड, और प्राइसेस भी ठीक ठाक ही होते हैं, मतलब इतने ज़्यादा एक्सपेंसिव भी नहीं होते, लगभग ओके है. गिर गिराना जाना मैडम. हाँ, गिर गई. अच्छा जी, अरे गिर गिरा जाओगे. ओह वैसे आपने सेम पहना है मेरे जैसा, सेम पहना आपने मेरे जैसा. आशु की नाकाम कोशिश. वैसे क्या तुमने सोच के आज येलो पहन के आया है? मोस्टली जब भी मैं येलो पहनती हूँ ना, आप वही पहनते हो. चोरी किया मेरा कलर? नहीं, मोस्टली वैसे ही होता है. बहुत गलत बात है यार, मेरा कलर का कपड़ा नहीं पहनने का. मैं पहले यहाँ पे पहन के यहाँ पे खड़ी हुई थी, आप बाद में आए. अच्छा, आपने कॉपी, मुझे वीडियो कॉल लगा था ना. ये है क्रिकेट से रिलेटेड यहाँ पे आइटम, साइकिलिंग वगैरह.
टेनिस बॉल्स, लेदर बॉल्स, तो बहुत सारे ऑप्शंस हैं यहाँ पे। तो रूही गई अभी चेंजिंग रूम टू ट्राई समथिंग। और यहाँ पे देखिए शूज़ वगैरह भी हैं, बहुत सारे आइटम्स हैं टू ट्राई आउट। और ये देखिए जिम से रिलेटेड प्रोडक्ट्स यहाँ पे, इक्विपमेंट्स, जिम इक्विपमेंट्स मिल जाएंगे। यहाँ पे डंबल्स वगैरह भी हैं। लुक एट दिस टी शर्ट, इज ओनली 199 rupees, मेड इन इंडिया, एंड हियर 499, 499, 399, 299, अफोर्डेबल रेट्स यू विल गेट टू सी ओवर हियर। रॉड्स, डंबल्स, टी शर्ट्स, मैडम क्या क्या ले ली है अभी? और कुछ मिल नहीं रहा। अच्छा, सो फाइनली इतना घुमाने टहलाने के बाद में मैडम ने अपने लिए ले लिया है कुछ। और अभी हम चल रहे हैं नीचे, नीचे से भी कुछ देखते हैं लेने लायक होगा तो। हो गया, चले मैडम चले। अच्छा, ए बउआ हो क्या? ये है यहाँ पे बिलिंग काउंटर्स। ये किसके लिए? आपके लिए। अच्छा हाँ, ये नहीं चाहिए, बहुत हल्की वाली है। देखता हूँ मैं 99 में आपको और कैसे चाहिए। तो हो गई शॉपिंग मैडम? हाँ, तो इनको होटल की तरफ से वाउचर मिला था, मतलब सम्मान नहीं, हाँ अवार्ड मिला था, अवार्ड उसके लिए, वो गिफ्ट वाउचर था। हाँ ओके ओके, सो इन्होंने रिडीम कर लिया, ले लिया है, फाइनली वी आर डन। सो वी आर गोइंग आउट, मिला था पिछले साल। हाँ, सो वी आर गोइंग आउट नाउ, अभी इसको ड्रॉप करूँगा, लेट्स सी शाम के प्लान्स क्या होते हैं। सो गाइज, अगर आपको ये वीडियो पसंद आया हो देन सब्सक्राइब दिस चैनल, टेक गुड केयर ऑफ योरसेल्फ, बी हैप्पी एंड एंजॉय योर लाइफ। मिलते हैं नेक्स्ट व्लॉग में, बाय बाय।